मैं तो देखने दर ये मैं हूँ और ये मेरा दोस्त पिंटू है और हम दोनों मिलके हॉरर मूवी देख रहे हैं। मुझको भूल गए लुंडू। अरे किधर जा रहे हो? सनसनी में आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक खतरनाक समाचार। कब्रिस्तान में चल रहा था तांडव, लड़ रहे थे आपस में भूत और टीटू जैसे महाभारत के कौरव और पांडव। चारों ओर आ गया था भूजाल क्योंकि भूतों ने डाला था टीटू पे जाल। बड़ी बड़ी मेंढक जैसे आंखों ने कर दिखाया कमाल, भूत तो डर के भग गए और मिल गया टीटू को 2 लाख इनाम। अरे टीटू इनाम जीत गया। यो मैन, अब पार्टी करेंगे, मौज मस्ती करेंगे और बहुत सारी चीजें खरीदेंगे। मुझे तो ये सोचकर ही पेट में गुजबम्स हो रहे हैं। हाँ मुझे भी, पता नहीं इतने सारे पैसों का हम करेंगे क्या। लेकिन ऐसा ना हो टीटू अकेले ही सारे पैसे लेके गायब हो जाए। अरे ऐसे कैसे गायब हो जाएगा, उसे कब्रिस्तान में हमने ही तो भेजा है। हाँ लेकिन इंसान की नीयत बदलते देर नहीं लगती। चल टीटू को फोन लगा के देखते है। हाँ बंद है। दूसरा नंबर ट्राई कर। दूसरा नंबर भी बंद है। मतलब हमारा शक सही निकला। देखना वो पूरे पैसे अकेले ही दबा देगा। ओह नो। जैसे च्युइंगम की मिठास खत्म होते ही उसे फेंक दिया जाता है, ठीक वैसे ही टीटू ने हमारे साथ किया है। काम होते ही दोस्त को लात मार दी। मतलब ही दोस्त धोखा हुआ हमारे साथ। एक नंबर का मतलब ही निकला टीटू। पूरी उम्मीदों पे पानी फेर के रख दिया इस टीटू के बच्चे ने। इस कहानी की शुरुआत एक हॉरर मूवी से हुई थी और इसका अंत भी हॉरर मूवी से ही करते हैं। एक अच्छी सी हॉरर मूवी देख के गम को भुलाते हैं। तू सही कह रहा है। तू मूवी लगा, मैं तब तक पॉपकॉर्न लेके आता हूँ। ठीक है। पता नहीं रिमोट मिल नहीं रहा है। जानवर जैसे क्यों खा रहा है? मैंने नहीं खाया। कितनी आवाज कर रहा है? ए, पॉपकॉर्न देना। पिंटू तुझे देखा? हाँ मुझे तो लगता वो चुड़ैल है, सड़े हुए आलू से भी बदतर शक्ल है उसकी। जो भूत हमने न्यूज में देखा था ना, खुशी का फीमेल वर्जन लग रहा ही है। जरूर टीटू ने भेजा होगा हमसे बदला लेने के लिए। उसको हमने कब्रिस्तान में जबरदस्ती से भेजा ना, इसलिए। मैंने आज तक इतनी डरावनी चुड़ैल कभी नहीं देखी। बता तो ऐसे रहा है जैसे चुड़ैलों से रोज पाला पड़ता है तेरा। और क्या, हमारी कॉलेज की लड़कियां दिखने में क्या इससे कम है? मैं तो कहता हूँ इन कॉलेज वालों को उठा के जेल में डाल देना चाहिए। क्यों? अरे लड़कों को बेवकूफ बनाने के लिए सुंदर सुंदर लड़कियों की फोटो कॉलेज के कैटलॉग पे लगाते हैं। अरे उन्हीं फोटो को तो देख के हम जैसे लोंडे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। और हकीकत में होता क्या है, कॉलेज जाने के बाद ऐसी लड़कियों से पाला पड़ता है। राइट। कितना मुश्किल होता है ग्रेजुएशन के 3-4 साल ऐसी लड़कियों के साथ निकालने में। फिर होता क्या है, जो मिली उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो और ना मिली तो अपना हाथ चला लो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। क्रिमिनल्स होते हैं ये कॉलेज वाले। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हम इस चुड़ैल का करेंगे क्या? मैं क्या बताऊँ यार। मैंने सुना है जो औरत हवस की प्यासी होती है ना, वो मरने के बाद चुड़ैल बनती है। फिर वो हम जैसे चिकने लोंडो को ढूंढ के अपनी प्यास बुझाती है। तू एक काम कर, टीटू को एक बार फोन लगा के देख। टीटू क्या है? फोन शायद अंदर रह गया। ओह नो। रुक जा, बैटरी अबाउट टू डाई, कॉल करके देखता हूँ। लग जा, लग गया। उठा कमीने। टिंटू का फोन क्या है? अबे टिंटू तू कहाँ है, तेरा फोन स्विच ऑफ था, हम कब से तुझे फोन लगा रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? अबे हमारे घर में एक चुड़ैल घुस गई है। चुड़ैल? बड़े बड़े बाल और सड़े हुए आलू के जैसे शक्ल है उसकी। अरे चिंटू वो चुड़ैल नहीं, वो एलियना है, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं, वो हमारी भाभी है। इतनी बदसूरत भाभी? भाभी? चिंटू तू रुक, हम वहाँ आ रहे हैं। टीटू कह रहा है कि ये हमारी भाभी है और इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? फिर तू बात कर ना उससे। वाह वाह, तू दोस्त है या जल्लाद, बहुत के कुएं में ढकेल रहा है मुझे, इतना ही है तो तू जाके बात करना। Oh, no. चल छोड़, दोनों साथ में चलते है। हाँ ये ठीक है। आ गए लोंडो, मैं करती हूँ जिससे प्यार,
कर रही हूँ मैं उसका इंतजार। लाया है वो बड़ा जहाज अपने साथ और उड़ा ले जाएगा इस परी को अपने साथ। ये चुड़ैल उन लड़कियों जैसी है जो सुबह शाम मिरर में अपने आप को देख के तसल्ली देती रहती है कि आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं। मैं कहता हूँ ये फ्रॉड है जी, ये सड़ा हुआ एलियन मोदी जी का भेजा हुआ है, इसकी तो जांच होनी चाहिए। हाँ? मेरा नाम है एलियना और मैं आई हूँ दूसरे ग्रह से। मुझे ना किसी ने भेजा है और ना किसी ने बुलाया है, मैं तो घूम फिर रही हूँ अपने प्रेमी के तलाश में। अरे चिंटू पिंटू, अबे टीटू क्या मुसीबत में डाल दिया तूने हमें। अरे देखो मैं किसे लेके आया हूँ। oh, no. इसका नाम है एलियनासा, ये एलियन है और दूसरे ग्रह से आया है। दूसरा नमूना लेके आया तू? ये इसका मेल वर्जन है। पहली बार किसी एलियन को किस करते हुए देख रहा हूँ, हाउ रोमांटिक। इन दोनों को देख के ऐसा लग रहा है जैसे दो सड़े हुए आलू आपस में टकरा रहे हैं। चलो इन दोनों को रोमांस करने दो, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ चलो। मैं तुम दोनों को पूरी कहानी बताता हूँ। तो बात ऐसी है, अब तुम ही बताओ कि हमने क्या करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इसे सरकार के हवाले कर देते हैं। oh, no. इतना बेदिल और कमीना इंसान है तू, उस एलियन को हमारी मदद की जरूरत है और तू उसे और मुसीबत में डालने की बात कर रहा है। तो क्या अपना कमाया हुआ पैसा क्या उसको दे दे? मेरा कहना तो यही है कि हमने पूरा पैसा एलियनासा को देना चाहिए। मुझे लगता है टीटू सही कह रहा है, मतलब मेहनत करे हम और मलाई खाए ओ। अबे ओ बिना झाग के साबुन, पूरी रात कब्रिस्तान में भटक रहा था कौन? मैं। असलम भाई का ठूसा खाया किसने? मैंने। तूने ऐसा किया ही क्या है? और बात करता है मेहनत की? अबे ओ मेंढक, तुझे कब्रिस्तान जाने के लिए मोटिवेट किसने किया? मैंने, मतलब हमने। अरे पता है, एक इंसान ने दूसरी इंसान की मदद करना ये मानव धर्म है। लेकिन वो तो एलियन है। अरे एलियन है तो क्या हुआ, अगर आज हम उसकी मदद करेंगे तो कल हम जब मुसीबत में रहेंगे तो वो हमारी मदद करेगा, कोई मिल गया कि जादू की तरह। और पता है, अगर हम सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा के साथ बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं ना, तो वो पुण्य कहलाता है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने कहा है भगवद गीता में। प्रभु हमारी आंखें खुल गई, आप जैसा कहे वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। So let's sacrifice and help Elianasa. तो एलियनासा, ये लो 2,00,000 रुपए और जी लो अपनी जिंदगी और अपने प्लेनेट पे जाके हमें भूलना मत। थैंक यू टीटू, तुम लोगों का एहसान मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारा स्पेसक्राफ्ट कहाँ लैंड किया है? चलो हम तुम्हें वहाँ तक छोड़ देते हैं। पागल प्रेत कब्रिस्तान के पीछे जो खूनी गोरिल्ला जंगल है, वहाँ से 5 किलोमीटर अंदर भालू की गुफा है, उससे लग के जो चट्टान है उसके पीछे हमने अपना स्पेसक्राफ्ट लैंड किया है, चलोगे? नहीं, तुम ही चले जाओ। ओके लेना सर, बाय बाय। मैं तुम्हें ये बाय वाली बात बताना भूल गया था, एलियनासा को गलती से भी बाय मत बोलना। बाय लोंडो। बाय बाय एलियना भाभी। सुन हरी, तू मुझे डॉली की टपरी पे मिल, मैं तेरा हिसाब वहां पे कर दूंगा। ठीक है अनुराग भाई, बाय। लाख रुपए कमाने का इससे आसान तरीका और कोई हो सकता है? कितनी आसानी से मैंने इन सब के आंखों में धूल झोंक दी, किसी को पता भी नहीं चला। किसी ने सही कहा था, आसान है। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।